गोरखनाथ थाना क्षेत्र में कुख्यात अपराधी चंदन सिंह के नाम पर रंगदारी मांगने वाले तीन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 315 बोर का तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 1 खोखा, 1 चाकू, मोबाइल सेट और बाइक बरामद हुई है। घटना का खुलासा करते हुए SSP शलभ माथुर ने बताया कि गोरखनाथ के एक चिकित्सक से फोन पर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, जिसकी सूचना डॉक्टर ने गोरखनाथ थाने पर दी थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने सर्विलांस के जरिए 3 अभियुक्तों को धर दबोचा, जिसकी शिनाख्त जंगा थाना क्षेत्र के कृष्ण राय उर्फ अखिलेश राय पुत्र सुभाष चंद्र राय, तिवारीपुर थाना क्षेत्र के एनाउल हक पुत्र जहीरुल हक तथा गोरखनाथ थाना क्षेत्र के निवासी अंचल पांडे उर्फ विक्की पांडे पुत्र ध्रुव नारायण पांडे के रूप में हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पीड़ित चिकित्सक TP सिंह ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त ने चंदन सिंह के नाम से 5 लाख की रंगदारी मांगी थी, नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दे रहे थे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP शलभ माथुर ने बताया, अपराधियों को आगे कर दीजिएगा सर। सर किस वाले पीछे एक डॉक्टर जिनसे जो है एक कुख्यात अपराधी के नाम पे रंगदारी मांगी थी। ये सबसे पहले अप्रैल के अंदर इनको एक कॉल आया था, जिसके संदर्भ में 22 अप्रैल को थाना गोरखनाथ अंतर्गत 386 का अभियोग पंजीकृत किया गया। इसके अंदर और डिटेल्स डेवलप करते हुए इनको फिर दूसरे नंबर से कॉल किया, इसके अंदर आइडेंटिफाई करते हुए तीनों मुख्य अभियुक्त हैं इसको गिरफ्तार किया गया। एक कृष्ण राय उर्फ अखिलेश है, दूसरा एहसानुल हक और तीसरा अचल पांडे, ये तीनों जनपद गोरखपुर के निवासी हैं। इसके अंदर जो पूरी घटनाक्रम प्रकाश में है, इसमें जो कृष्ण राय है, ये डॉक्टर से पूर्व में परिचित थे। डॉक्टर से पूर्व में परिचित होने के कारण एक दो बार इनके मिले भी थे और कुछ प्रॉपर्टी इनको जब खरीदनी थी तो इनके साथ गए थे। इस चीज़ का इनको आभास था कि डॉक्टर के पास में कुछ मनी हो सकता है, कुछ पैसा हो सकता है। इसी चीज़ को इन्होंने एक मोबाइल के माध्यम से जो इनको मिला था उससे पहले फ़ोन कॉल किया और फिर अलग अलग तीनों लोगों ने अलग अलग कॉल किया और दूसरे मोबाइल से फिर कॉल किया। घटना का अनावरण SP सिटी और CO गोरखनाथ, SP क्राइम ब्रांच ने लगातार लग के इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों लोगों ने अपने जुर्म का इकबाल किया है और वो जो मोबाइल जिससे कॉल की गई थी वो भी रिकवर। कितने की मांग रहे थे ये? इन्होंने जो पहले थी वो 50 थी, 5 लाख की रंगदारी इन्होंने मांगी। चंदन सिंह का बाद गैप हुआ, उसके बाद 2-3 दिन पहले फिर इसके अंदर इस तरह की कॉल आई। तीसरी मामला था, मामला फिरौती का था। कौन लोग मांग रहे थे, कैसे? ये लोग मेरे लिए तो अननोन थे, दूसरों के लिए नहीं जानते हैं, लेकिन मेरे लिए अननोन थे। जो मतलब मांग रहे थे 5 लाख रुपए मांग रहे थे और मैंने ये रिपोर्ट लिखाई क्राइम ब्रांच CO SO सारे लोगों ने मेरी पूरी मदद की और इसके तहत ये लोग पकड़े गए। कितने दिनों से मांग रहे थे पैसे? ये 20 दिन हो गए सारे घटना को। क्या किसी गिरोह का भी नाम ले रहे थे? चंदन सिंह रंगदार का नाम ले रहे थे। क्या कर रहे थे? कह रहे थे मैं चंदन सिंह रंगदार का आदमी बोल रहा हूँ, मुझे 5 लाख रुपये दे दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूँगा।